दूरी बना के रखनी पड़ रही है बच्चों से भी। जी मतलब थे हनुमानगढ़ आओ तो पुलिस वाली पकड़ा पकड़ी कौन करा गया था? पकड़ा है भाई जी, मैंने मारे भी है। या तो हमारे को साहब जी मार दो, और क्या, गरीब आदमियों को हम बहुत परेशान हो गए साहब जी। हमारे थाने में आते हैं तो हमारे को धक्का मार के निकाल देते हैं। ढंग से लाइफ ही नहीं चल रही। राम राम साहब, मैं हूँ थारो बेली मुकेश और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन के चुन्ना फाटक पर हाँ, तो जी कि थे मेरे पीछे देख पा रहा हो कि कोविड के कारण की परिस्थिति है जो आज चुन्ना फाटक की होने लग रही है। जितनी दुकानें जितनी भीड़ है अमूमन नॉर्मल दिन देखी जाती अच्छा कोनी देखने मिल रही, बिंगो सीधो सो कारण है जो कोविड है। तो अभी है जो आप अठगा जगह लोग हैं जगह लोग अमूमन थोड़ा बहुत जगह लोग घूम रहे हैं, तो आप वहाँ से बातचीत करके देखांगा क्या बंग है जीवन पर है जो कोविड के कारण कितो के असर पड़े है। बड़े भैया गंगानगर भी काम करते थे, वहाँ भी नहीं जीने दे रहे हैं। वहाँ से हनुमानगढ़ में आए हैं तो हनुमानगढ़ में भी नहीं जीने दे रहे हैं। भूख मर रहे हैं साहब जी। 2 साल का बच्चा है साहब जी हमारा, घरवाली को लेके आया हूँ यहाँ पर, बहुत परेशान हो रहा हूँ। फुटपाथ पे सोया था, रेलवे स्टेशन पे 10 दिन सोया था साहब, वहाँ भी नहीं जीने दिया। वहाँ भी कहने लगे पुलिस वाले के यहाँ से जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर दी साहब, मारे पीटी करते हैं। अब यहाँ भी बहुत परेशान हो रहे हैं, दाढ़ी मजदूरी भी करते हैं। क्या काम करे करो थे? ये दाढ़ी मजदूरी करते हैं साहब, पटल उठाते हैं। अब पटल में मिस्त्री बालो बाई चांस से लेट सेट भी हो जाता है भाई, 4 पटल का मसाला बच गया या 5 का बच गया ये लगा के जाओ तो 6 बजे जाते हैं साहब जी, 6 बजे भी लाठी चार्ज कर देते हैं। उनको कहते हैं जी हम दाढ़ी मजदूरी करके आए हैं, कहे जी मकान मालिक का नाम बताओ, मिस्त्री का नाम बताओ। अब दाढ़ी मजदूरी करने वाले आदमी हमारे को तो पैसा चाहिए साहब, इसका क्या पता है साहब जी कब तनी टूट जाए। मास्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, सो बने लगाते हैं साहब जी मारा पीटी। मास्क भी है जो पैसा दे के खरीदना पड़ रहा है, ये भी पैसे खरीद के लाना पड़ रहा है साहब जी, पैसा दे के मास्क खरीदना पड़ रहा है। हाँ जी 10 रुपए का मास्क खरीदते हैं, वो भी 4-5 दिन चलता है, ये टूट भी जाता है बाई चांस इनके इसकी क्या प्रशासन है मतलब थार पर लाठी चार्ज भी करे। हाँ जी क्या मास्क नहीं है आपका, आप कहाँ से आए हो, आपका इंटरव्यू दो फलाना दो, बहुत सौ बहाने करते हैं साहब। हम मान लो 300 रुपए में जाते हैं साहब जी तो 300 रुपए भी हमारे 6 बजे 6:30 बजे कर देते हैं, उसमें भी भूख मर रहे हैं। अब मान लो 100 रुपए की 90 रुपए की थैली थी साहब, 160 रुपए की थैली कर दी रिफाइंड की, सरसों का तेल कर दिया साहब जी 190 रुपए का, 200 रुपए का तेल कर दिया है, अब 30 रुपए किलो आटा कर दिया साहब। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे साहब, इतना हमारे पे अत्याचार कर रखा है इन्होंने, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं साहब जी ऐसा गरीब आदमी के साथ। या तो हमारे को साहब जी मार दो, और क्या, गरीब आदमियों को हम बहुत परेशान हो गए साहब जी, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जिसे मांग के भी खाते हैं तो अगले कह देते हैं क्या मालिक ने तुम्हारे हाथ पैर दिए हैं तुम कमा के खाओ। मान लो वो ठेकेदार कहता है हमारे को भाई आपको 15 दिन में हिसाब करेंगे या 10 दिन में हिसाब करेंगे, तो साहब जी वो ठेकेदार भी हमारे पैसे खा जाता है। अब रेलवे स्टेशन के अंदर जो सरकारी क्वार्टर बने थे साहब जी, वहाँ भी हमने काम किया तो वहाँ पर हमारे 1400 रुपये एक खा गया, 1200 रुपये एक खा गया। अब पैसे मांगते हैं, शिकायत कौन करी थी? शिकायत करी थी साहब जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता साहब। तुम्हारे थाने में आते हैं तो हमारे को धक्का मार के निकाल देते हैं। तो अभी आप जंक्शन का है जो को चुना फाटक पर आ, तो थे मेरे पीछे देख पा रहे हो कैमरामैन से निवेदन है कि पीछे लेफ्ट साइड के मैं दिखाया जावे वो जी हाँ आज की रोड है संगरिया फाटक है बठा जान लाग रही है, और सामने मेरे थे देख पा रहे हो वो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला रूट होया कर तो, लेकिन अबार कोविड के कारण कंडीशन आ है कि इक्की दुक्की गाड़ियाँ हैं भाई जा रही है। मैं मेडिकल स्टाफ का मेम्बर हूँ। तो मतलब जी हाँ कोविड के कारण है जो जी हाँ थारे मेडिकल स्टाफ के जैसे स्टूडेंट हो भी हैं तो कोविड हुआ है जो स्पेशली मेडिकल सेवा ये वांग ऊपर ज़्यादा फर्क कौन पड़ो, क्योंकि थार लो जी हाँ लगभग पूरा सो मेरे हिसाब से ओपन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली हम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है क्योंकि एक तो पेशेंट वैसे भी नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं वो मास्क का पालन नहीं कर रहे तो हम उनको डायरेक्ट ही वापस भेज रहे हैं चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम हो। वैसे मैं डेंटिस्ट का असिस्टेंट हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे तो मुँह का काम है, तो पहली बात हम खुद ही पेशेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं जो इमरजेंसी कर रहे हैं। बात आके मतलब कोविड हुआ है जो थारे ऊपर या फिर थारे निजी जीवन पर है जो के प्रभाव पड़ने लग रहे हैं? प्रभाव ये पड़ रहा है कि ढंग से लाइफ ही नहीं चल रही, क्योंकि घर पर भी काफ़ी समस्याएँ हो रही है, और अगर मैं भी घर पर जा रहा हूँ तो काफ़ी दूरी बना के रखनी पड़ रही है बच्चों से भी। अच्छा मतलब ये जी हाँ मतलब अब जी क्लिनिक आ रहे हो तो क्लिनिक थे ओपन तो जी कर रहे हो बारह 12 से 2 के बीच में हमारा नंबर। तो आमजनों और प्रशासनों थे के अपील करना चाहो? आमजन से और मैं प्रशासन से ज़्यादा करना चाहूँगा कि प्रशासन पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि अगर ढील दी जा रही है ना तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जी एक बात बताओ कि जी थे टेम्पो रिक्शा चलाओ तो अमूमन जी की मतलब थारी जी की डेली इनकम होया करती नॉर्मल दिनाम
और आज अब जिया कितना दिन हो गया, आज दिल्ली सरकार नया नियम निकाल रही है और दिल्ली जिया मतलब पुलिस प्रशासन है जो चालान भी काट रही है लोगों का, तो बीच जो थारा जीवन पर कितो क्या असर पड़े है ये बताऊं जी भाई। मैं चला भी कौन टेम्पू गली आवा टेम्पू चलाने कौन देवे चलाने चला मैं चलावा ही कौन गली रे मामा जी अभी आ गया तो थारो जीवन यापन क्या होने लाग रहे है, परिवार को पालन पोषण क्या करने लाग रहे है? बस टाइम पास होने लाग रहे भाई। सवारी थारे कन कितनी बैठ जाए दिन की सवारी? मैं तो भाई के बतावा जी मैं तो सुबह की 7-8 सवारी ढोई है बस। तो बस आ जाएगा बाऊ बस आ जाएगा थाने अब क्या करा फिर करा के फिर ऑप्शन कोने के और कई तंग होने लाग रहे हैं वो थे क्या तंग होने लाग रहे हो बताओ तूड़ी मिल नहीं रही तूड़ी मतलब जो थे खरीदया करोगे? हाँ मैं तूड़ी खरीदा है भाई जी। हाँ थाने मिल क्यों कौन रही भाई जी? जो जा तो कटगी मेरे हिसाब से, कणक भी कटगी। हाँ कटगी भी, तेल का भाव बढ़ गया यार, तो बारिश आ गई और मिल नहीं रही यार, भी महंगी होगी। जिमीदार लेबर अंदर बाहर ही है तूड़ी का लाने जो खत्म कर रहे हैं, मतलब लेबर लेबर भी मेरे हिसाब में बाहर मिल रही कौन थाने? हाँ नहीं मिल रही। जकी थे बता रहे हो कि पिछले दिन हम जी बारिश आई, आज भी जी है जो हनुमानगढ़ में मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो बारिश बुरी से आगे मतलब बेतुड़ी ने गिल्ली कर दी, खराब कर दी, तो भी कारण भाव बढ़ रहे हैं। हाँ भाव बहुत भाई जी बढ़ रहा, कोई मिल नहीं रही था था, तो जहीं जा रहे हैं लेबर ही नहीं मिली, अब अंदर घेरने के लिए बैठे हैं हम, तो लेबर आ नहीं रही क्योंकि आने दे नहीं रहे कोरोना के लिए। आज जी हनुमानगढ़ के कारण आया हो? मैं तूड़ी लेके आया भाई जी। तूड़ी लेके आ रहे हो? हाँ कोरोना उठा रहा है ऊपर कितो के असर है जो पड़े हुए भाई जी? असर तो बहुत पड़े आए थे वो तो दिख ही रहा होगा कि क्या के टाइप का असर पड़े साथ पर हमारे पर। अभी मजदूर आदमी हैं मैं तंग होने लाग रहे हैं, मजदूरी कराना बाजार करा खेत में करा ताई तंग हुआ भाई जी, कुछ सामान नहीं मिलता राशन पानी भी। अच्छा मतलब थे जी हनुमानगढ़ का ही हो कि हमारे गाँव? हनुमानगढ़ के पास गाँव है हमारा, पास गाँव है, तो मतलब जहाँ गाँव में जो सामान सामान मिल जाएगा टाइम पर? हाँ भाई जी बटे तो मिल जाए। हनुमानगढ़ वाला तो दुख पान लाग रहा है, शनिवार रविवार ने की कौन मिला? हाँ भाई जी मन ने तो पूरा मिला है। तो अभी आपने सागे एक है जो को स्टूडेंट भाई है जो को आपने मिलो है, तो आप ऐसे जानेंगे कि कोविड के कारण है जो को अंग ऊपर है जो को कितो के प्रभाव पड़ने लग रहे है, जैसे कि थाने सबने बताया कोविड है जो को बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप है जो को आपको ले लियो, और बिंग बावजूद में आप बात करा स्टूडेंट्स की तो बंग लाइफ पर जो को कितो के असर पड़े है, तो आप एक भाई हूँ जानेंगा ऐ भाई साहब है जगह मैं जुन्ना फाटक पर मिला, तो ऐ जस्ट जा रही हाँ तो मैंने पूछ लियो कि भाई साहब के कर रहो के नहीं करो थे, तो आप से ही जानेंगा। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम। तो शुभ नाम थारो? अपना नाम दीपांशु है। दीपांशु। हाँ तो दीपांशु जी यहाँ बताओ कि थे मतलब जो के विषय की है जो पढ़ाई करने लग रहे हो? आप बी एस सी नर्सिंग करने ला रहे हैं, फर्स्ट ईयर हूँ और कोरोना कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अच्छा तो थारो दूर रहने वालों से सौदो है फिर? ना ये है तो कुछ कौन है ज्यादा, पर भी है भी दिक्कत आने ला रही है ज्यादा बसेज की, और ना मतलब ऑटो लेके जाना पड़े कभी कभी, तो ऑटो भी कौन मिले। अच्छा और... मतलब कोविड के कारण है मतलब थार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े अभी, छोटा टाबर आवाम पर तो पड़े है, जो पड़े है ही कॉलेज और स्कूल बंद है, केवल हमारा ही कॉलेज ओपन है अभी नर्सिंग का, और अभी सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं तो बाजार बंद रहता है और बसें वगैरह भी लगभग बंद रहती है, और यहाँ पे तो रोकती भी नहीं है कॉलेज जाने के लिए। अच्छा मतलब चुना फाटक पर है जहाँ थे कॉलेज जाओ तो थार खातर बस है जो कौन रोके हैं? हाँ हाँ। तो मतलब जहाँ हाँ जी आप बस की बात करें तो बस जी मतलब लोकल बस चल रही है, कौन चल रही है हनुमानगढ़ में? हाँ लोकल बस चल रहा है, पर वह मतलब कभी कभी तो रोक ले, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट है तो अभी तो कुछ फ्रेंड है वो घर पे चला गया, और अभी कॉलेज के अंदर भी बहुत कम आने ला रहे स्टूडेंट। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट कितना है बार जी? अभी तो है अभी हमारी क्लास में तो 20 स्टूडेंट आ रहे हैं, और 15-20 जीएनएम की क्लास में आ रहे हैं बस। मतलब टोटल जो स्टूडेंट कितना आया करता अबार थे 20 बता रहे हो कि 20 आने लग रहे हैं? हाँ अभी मतलब लगभग 70-80 स्टूडेंट के लगभग थे हमारे। मतलब तो लगभग पूरा ही घट गया फिर टाबर? हाँ हाँ अभी तो मतलब 30-35-40 इतने स्टूडेंट आते हैं। थारे फैमिली पर जो कोविड को कितो के असर पड़ने लग रहे है भाई जी? लोग थारे गांव की बात करा तो लोग बाग जी बारह जाने हिचकिचावे हैं कौन हिचकिचावे, या फिर भी यही मुंडो ले गए चक गए जो बाहर निकल? ना हिचकिचाया क्योंकि हमारे एरिया में भी अभी गांव में भी कोविड का पॉजिटिव आने ला रहे है, आसपास के गांव में भी कोविड का पॉजिटिव आने ला रहे है, तो भी यहाँ भी है अभी गलियां भी बंद कर रखी है गांव की, असर तो देखे है मतलब। तो कोविड के ने मतलब जहाँ संडे ने जहाँ कर्फ्यू लागे तो संडे ने थे जहाँ बाहर को निकलोगे? ना हमारी तो ढाणी है वैसे मतलब बाहर निकल जाओ। हनुमानगढ़ की आप बात करा बाहर तो हनुमानगढ़ में बंद है सब कुछ बंद है। सैटरडे संडे थे बाहर को निकलोगे? कॉलेज लागे कौन लागे थारे? हाँ सैटरडे तो लागे पर संडे बंद रहे।
तो शासन प्रशासन निवेदन है कि जका मजदूरी वर्ग का जका लोग हैं बांग थोड़ा सो आराम से थोड़ा सो प्यार से है जो पेश आया जावे ताकि ऐ भी लोग है जो आपको काम करने लग रहे हैं। तो लगातार इसे वीडियो देखने खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी को बटन है भी ना भी दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो थान मिल जावे। और ये वीडियो पर थारी के राय ही बामन कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताऊंगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थानी। दूसरी बात आप ही है कि जलको मीडिया थारे सबसे निवेदन करे कि जब भी थे बाहर जाओ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, मास्क अवश्य रूप से लगा के जाओ ताकि आज की महामारी फैल रही है इनको आप डट के मुकाबला कर सका।